रेडियो, दिस इज आरती मिश्रा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ पिलर्स के बारे में। अशोकन पिलर्स तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा फेमस थे, जिसमें अशोका के इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई पिलर बनाया जाता था तो अशोकन पिलर्स सिर्फ स्टेट बिल्डिंग में ही नहीं बल्कि और दूसरी जगहों पर भी देखने को मिलते थे, जिसमें इंपीरियल सर्मन यानी कि कोई भी बात जो अशोका अपनी जनता से करना चाहते हैं वो देखने को मिलती थी। आइए देखते हैं पार्ट ऑफ द पिलर। सबसे नीचे होता है ये वाला जो पार्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट जो है चुनार सैंडस्टोन से बनाए जाते थे अशोकन पीरियड में। ये जो शाफ्ट होता है ये बहुत ही लंबा होता है, पहले तो लगभग 40 फीट हाई ये होता था, लेकिन अब जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये एक स्तूपा का आर्किटेक्चर है, तो कुछ उस तरीके की चीज़ें रेप्लिका करके बनाई गई हैं आज मॉडर्न टाइम में। तो जाहिर सी बात है उतना लंबा शाफ्ट नहीं है, लेकिन सबसे नीचे वाले पार्ट को शाफ्ट बोला जाता था, जो कि मोनोलिथिक शाफ्ट होता था। तो ये जो मोनोलिथिक शाफ्ट का मतलब ये हो जाएगा कि वो एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस बेस को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। बेस के ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ये अबाकस है, ठीक है। ये जो अबाकस है या ये जो कैपिटल है, ये लोटस के शेप का हो सकता है, ये बेल के शेप का हो सकता है, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट उसके ऊपर है वो है एनिमल पार्ट। ये हाथी, हॉर्स, बुल, लायन, एलिफेंट, कोई भी एनिमल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लायन है, जैसे कि हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है उसका जो अबाकस और एनिमल वाला पार्ट है वो सारनाथ पिलर से लिया गया है। लेकिन ये सारनाथ पिलर नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ उस जैसा है, जो कि आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा कि एनिमल है, उसके नीचे अबाकस है, उसके नीचे एक बेस है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, और उसके सबसे नीचे वाले पार्ट को हम शाफ्ट कहते हैं, शाफ्ट जो कि मोनोलिथिक होता है। तो ये जो है ये पर्टिकुलर पार्ट है। इससे पहले की वीडियो में हमने स्तूपों के आर्किटेक्चर को और उसके अलग अलग पार्ट्स को जाना था और उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।